Now we are going to discuss the various factor affecting the resistance of a wire या of a conductor. It has been practically determined कि अगर अपने पास एक वायर है और ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इस वायर की लेंथ है L, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो इन दोनों पैरामीटर से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए एंड हियर वी हैव अ कांस्टेंट रो एल बाय ए. ये जो रो है अपने पास दिस इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल. कौन सा मटीरियल? जिस मटीरियल का कंडक्टर बना हुआ है. जैसे इस पर हम एग्जांपल करें कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें ये कहा गया है कि किसी वायर की लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है. वो वायर मान लीजिए कॉपर की है अपने पास. अपने पास कॉपर की वायर है तो बताइए कि उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा अगर उसकी लेंथ डबल कर दी जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ कर दिया जाए. तो बताइए कि जो नया रेजिस्टेंस होगा R1 वो क्या होगा. तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है. इनिशियली आप देख सकते हैं उस वायर की लेंथ कितनी है, L मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A मीटर स्क्वायर. तो उसका इनिशियल रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, तो वो होगा अपने पास रो L बाय A. जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा अपने पास, रेजिस्टिविटी वही मटेरियल कॉपर की है रो, नई लेंथ कितनी है 2L और नया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A बाई 2. तो यहाँ से देखिए अपने पास न्यू रेजिस्टेंस R1 कितना आ जाएगा, 4 रो L बाई A. ये रो L बाई A क्या था, इनिशियल रेजिस्टेंस जब डायमेंशंस को चेंज नहीं किया गया था. डायमेंशंस को चेंज करने का मतलब लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं किया गया था. तो अब रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस. ये जो रेजिस्टिविटी है अपने पास इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल. मान लीजिए अपने पास दो वायर्स हैं और दोनों ही सेम मटेरियल की हैं. मान लीजिए ये भी अपने पास कॉपर की है, एक ही अपने पास वेरी थिन वायर है और ये भी कॉपर की है. देखिए इनका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, इनकी लेंथ अलग अलग है, पर क्योंकि ये दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों ही कॉपर मटेरियल की हैं, तो दोनों की ही जो रेजिस्टिविटी है वो सेम होगी अपने पास. इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दो अलग अलग रेजिस्टेंस भी हैं लेकिन वो मटेरियल सेम के बने हुए हैं तो दोनों की जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा सेम है. रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो मटेरियल पे ही कि किस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है, और दूसरा टेम्परेचर पे. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी. रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है अपने पास, R इज इक्वल टू क्या है, रो एल बाई ए. तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, R इंटू ए बाई एल. ये जो रेजिस्टिविटी का सिंबल है ना इसे हम रो बोलते हैं, R O W. रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वेयर, और लेंथ का यूनिट क्या है मीटर. तो यहाँ से हम देख सकते हैं रेजिस्टिविटी का ऐसे यूनिट क्या होगा, ओम मीटर. इसी तरह जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे.
अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज़। सो दीज आर दी वेरियस फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स एंड रेजिस्टिविटी। मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है कि दो मटेरियल्स हैं दोनों की अलग अलग लेंथ है और अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया है। मान लीजिए पहले की लेंथ है L और दूसरे की लेंथ है 1.5L। पहले का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और दूसरे का एरिया है a/2। लेकिन जो दोनों हैं सेम मटेरियल के हैं, दोनों ही मान लीजिए अपने पास सेम मटेरियल के हैं, कोई भी मटेरियल X है। मान लीजिए ये मटेरियल 1 है और ये मटेरियल 2 है। हमसे ये पूछा गया है कि इनके रेजिस्टेंस की रेशो बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन आपने कैसे करना है, देखिए पहले मटेरियल का रेजिस्टेंस मान लीजिए कितना है, R1। हमें इनकी रेजिस्टिविटी नहीं पता, हम इनकी रेजिस्टिविटी को रो मान लेते हैं क्योंकि दोनों सेम मटेरियल हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। तो पहले का अपने पास रेजिस्टेंस क्या आएगा, रो इंटू एल बाई ए। दूसरे रेजिस्टेंस का देखिए, क्योंकि वो सेम मटेरियल का है तो रेजिस्टिविटी वही रो आएगी। लेंथ अभी इसकी कितनी है, 1.5L और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a/2। तो रेशो क्या आएगी, r1/r2। तो देखिए रो एल बाई ए डिवाइडेड बाई रो इंटू 1.5 इंटू एल बाई ए बाई टू। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, रो इंटू एल बाई ए, यहाँ पर भी रो इंटू एल और ए ऊपर चला जाएगा, ये 1.5 यहीं रह जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा, बाकी सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। तो r1/r2 किसके इक्वल आया, 2/1.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20/15, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/3। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखने की, अगर मटेरियल सेम है अलग अलग रेजिस्टर का तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, और अलग मटेरियल अलग अलग है तो रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। और जो टेम्परेचर है वो लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, क्रॉस सेक्शन एरिया पे और टेम्परेचर पे, और जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल पे और टेम्परेचर पे फॉर कंडक्टर्स।